गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम बर्डिंग आर्टिस्ट की बुक में पेज नंबर 31 करने जा रहे हैं। 31 पेज में क्या है? कैप्सिकम इम्प्रेशन। बच्चों, वो जो बड़ी सी मिर्च आती है, इतनी बड़ी होती है वो मिर्च, उसे हम कैप्सिकम कहते हैं। तो उस कैप्सिकम की इम्प्रेशन आपको यहाँ पर करनी है। कट अ कैप्सिकम इंटू हाफ एंड डिप बोथ पार्ट्स इंटू ब्लू एंड रेड वाटर कलर। वाटर कलर में आपको हाफ कैप्सिकम, आधा पार्ट जो है उसे ब्लू कलर का और आधा हिस्सा जो है वो रेड वाटर कलर का करना है, और उसकी इम्प्रेशन आपको यहाँ पे करनी है। नाउ मेक इम्प्रेशंस टू मेक फ्लावर्स एज शोन। ऐसे प्रकार के फ्लावर्स की इम्प्रेशन आपको यहाँ पे करनी है। कंप्लीट द फ्लावर प्लांट यूजिंग ब्रश, और ब्रश की मदद से आपको ये फ्लावर प्लांट जो है वो कंप्लीट करना है। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स व्हेन यू आर डन। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तब अपना हाथ धोना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। कैप्सिकम को पहले आपको आधा काटना है और इस तरह के ब्लू और रेड प्रिंट इम्प्रेशन यहाँ पे करनी है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। उसकी स्टेम्स ऐसे आप स्टेम्स बना के उसकी इम्प्रेशन करो, या इम्प्रेशन बना के फिर उसकी स्टेम्स करोगे तो चलता है। फिर हम जाते हैं पेज 32 की तरफ। इन द पार्क, गर्ल इज एन्जॉइंग इन द पार्क। पार्क में एक लड़की बैठी है। आपको क्या करना है? स्केच पेन की मदद से आप इस गर्ल को ब्यूटीफुल कलरिंग करोगे। स्केच पेन अच्छे से यूज़ करना है, घिस नहीं देना है। धीरे धीरे से आपको शेडिंग देनी है, धीरे धीरे से आपको कलरिंग करना है और फ्लावर्स खूबसूरत करने हैं। तो ये 2 पेजेस जो है वो आप अपनी बुक पे कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।